एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलेक्स सर, मेरा नाम है आप है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना कंप्यूटर साइंस क्लास 12th आईसी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग का है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के रिलेटेड डाउट है और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रिंग के रिलेटेड वीडियो बनाई है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वाला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है सॉर्ट अल्फा, दैट हैज बीन डिफाइंड टू सॉर्ट द वर्ड्स इन द सेंटेंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है सॉर्ट अल्फा, जो क्या कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है और वो हमारे यहाँ पर सेंटेंस में हमारे वर्ड्स को सॉर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बेसिस में हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उन सेंटेंस में वो हमारे सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिस स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू में जो हमारा बी है वो हमारा सबसे स्टार्टिंग में आता है, तो फिर ब्लू हम लोगों ने पहले लिख दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर आई आता है तो फिर आई पहले लिख दिया, फिर एस आता है तो एस पहले लिख दिया, मतलब स्काई, और उसके बाद दा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पर अपना डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो इतना ही हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम में करना है। मतलब यहाँ पर हमें सेंटेंस के वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस में हमें यहाँ पर डिस्प्ले करा देना है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ क्लास की डिटेल्स गिवन हैं, जैसे कि क्लास का नाम हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट अल्फा ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जैसे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल और या तो फिर आप इसको ग्लोबल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेंट, जिसमें हम लोग यहाँ पर अपना पूरा सेंटेंस स्टोर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल एन है, जो बेसिकली हमारे पास जो सेंटेंस में जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो स्टोर करेगा, मतलब हमारा ये इंटीजर टाइप का होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा क्लास है कुछ मेंबर फंक्शंस और मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा पर सॉर्ट अल्फा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हमारा यहाँ पर जो स्टेट्स वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करेगा, मतलब एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा void except send, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपने यूजर से एक सेंटेंस एक्सेप्ट कराएंगे, वो भी हमारा यहाँ पर अपर केस में होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर void sort है। अब यहाँ पर आपको इस फंक्शन में थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप इसके पैरामीटर्स में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई ऐसा प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं किया है। आई रिपीट, यहाँ पर हम लोग को इस फंक्शन में ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई ऐसा प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर में पास नहीं किया है। ओके, जैसे कि हमारा यहाँ पर इंट होता है या तो फिर डबल होता है और या तो फिर हमारा फ्लोट होता है, ये सारे हमारे यहाँ पर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पास नहीं किया। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या पास किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्लास पास की है और उसके बाद जो आप ये आप वेरिएबल आपको जो लग रहा होगा वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसके पैरामीटर में कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया है। और ऐसे फंक्शन जिसमें हम लोग पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पासिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पासिंग होता क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट पासिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग फंक्शन में, जैसे कि आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया एबीसी और उसमें मैंने अपना रिटर्न करके एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट पासिंग की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग अपना, जैसे कि एबीसी फंक्शन है और यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो क्लास है वो है हमारा का सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ओबीजे। तो जब हम लोग यहाँ पर पैरामीटर में एक एज अ ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट पासिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है क्या होता है कि इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब यहाँ पर इंस्टेंस क्या हो गया, इंस्टेंस बेसिकली हम लोग यहाँ पर कॉपी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्लास का जो कॉपी होता है वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, क्लास एबीसी। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेरे कुछ यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल है, मैंने यहाँ पर लिया इंट ए और इंट बी। ओके, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया अपना void
प्रिंट, ओके। वॉइड में मैंने फंक्शन बनाया है और यहां पर मैंने लिख दिया अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जहां पर मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसओपी करके, और यहां पर मैंने अपना पास कर दिया ए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहां पर दूसरी लाइन में पास कर दिया एसओपी बी, ओके। और यहां पर मैंने इसको फंक्शन को क्लोज कर दिया और यहां पर मैंने इस क्लास को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर अपना एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है। अब यहां पर इस लाइन लिखने से क्या होगा कि बैकएंड में हमारा यहां पर एक ओबीजे नाम से एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। यहां पर एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा और बेसिकली इसमें क्या हमारा स्टोर होगा, यहां पर हमारा क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी कॉपी स्टोर होगी, मतलब यहां पर हमारा एक होगा इंट ए इंट बी। अब ये हमारा यहां पर कॉपी है हमारा यहां पर एबीसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की, ओके। मतलब यहां पर मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट ने हमारा यहां पर क्लास जो हमारी एबीसी है उसका यहां पर कॉपी बना ली, ओके। अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट के बेसिस में मैं अगर प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं ओबीजे डॉट प्रिंट, तो यहां पर हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा ये जो कॉपी वाले इंस्टेंस वेरिएबल हैं इनके बेसिस में ही हमारा ये प्रिंट फंक्शन चलेगा। जैसे कि यहां पर मान लीजिए ए की वैल्यू है हमारी 5 और यहां पर बी की वैल्यू 6, तो यहां पर प्रिंट फंक्शन में हमारा यहां पर प्रिंट होगा 5 और 6, ओके। अब यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एबीसी एबीसी ओबीजे 1 इज इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहां पर हमारा एक और स्पेस क्रिएट होगी ओबीजे 1 नाम से, और इसमें भी हमारे पास जो क्लास है हमारा एबीसी उसके इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी होगी, मतलब यहां पर हमारा इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब ठीक है, अब यहां पर ये जो कॉपी हमारे पर इंस्टेंस वेरिएबल की बनी है, ये कॉपी हमारा ये ओबीजे से डिफरेंट है, मतलब यहां पर अगर मैं प्रिंट फंक्शन चलाता हूं, जैसे कि मैं लिखा ओबीजे 1 डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए ए की वैल्यू है हमारा यहां पर 8 और बी की वैल्यू 9, ठीक है। तो यहां पर मेरा ओबीजे 1 के इंस्टेंस वेरिएबल के बेसिस में हमारा प्रिंट फंक्शन चलेगा, मतलब यहां पर वैल्यू आएगी 8 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर मैं जितनी भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतना मेरा यहां पर एबीसी क्लास की कॉपीज बनेंगी, और यहां पर हमारी जितनी भी कॉपीज बन रही हैं वो हमारी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इतना ही हमारा ऑब्जेक्ट पासिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए अब हम लोग यहां पर अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर जैसे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो यहां पर इसका हमारे पास एक डिफरेंट सेंट होगा और यहाँ पर मेरा एन बी हमारा ये डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पी ऑब्जेक्ट है उसने हमारा यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी एक अपना डिफरेंट स्टोर कर ली है, ओके। अब यहाँ पर इस फंक्शन के बारे में क्या लिखा है, सॉर्ट्स द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड स्टोर द सॉर्टेड सेंटेंस इन द करेंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो पी है उसका जो हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल है सेंट, जिसमें हमारे यहाँ पर एक सेंटेंस स्टोर होगा, जैसे कि हम लोग को मानना है कि इसमें हमारे पास एक सेंटेंस स्टोर है, उस सेंटेंस को हम लोग को यहाँ पर उस सेंटेंस को हमें यहाँ पर अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जो मेन हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा करंट ऑब्जेक्ट, ओके। उस ऑब्जेक्ट में हम लोग जो सॉर्टेड हमारा जो सेंटेंस आया है वो स्टोर कर देंगे, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना करंट ऑब्जेक्ट के बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना सॉर्टेड सेंटेंस डिस्प्ले कराएंगे, ओके। आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने वॉइड डिस्प्ले बनाया है, इसमें क्या करना है, डिस्प्ले द ओरिजिनल सेंटेंस अलोंग विद द सॉर्टेड सेंटेंस बाय इनवोकिंग द मेथड सॉर्ट, मतलब यहाँ पर हमें अपना ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट करना है और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो सॉर्टेड सेंटेंस होगा वो भी हमें प्रिंट करना है, कैसे, अपना यहाँ पर ये सॉर्ट फंक्शन को कॉल करके, ओके। तो चलिए देन हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहां पर जैसे कि आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर यूटिल पैकेज को कॉल किया ताकि मैं यहाँ पर अपना स्कैनर क्लास को यूज कर पाऊँ, ओके। उसके बाद मैंने अपना क्लास बनाया सॉर्ट अल्फा, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना इंस्टेंस वेरिएबल सेंट और एन बी डिफाइन कर दिया, ओके। फिर यहाँ पर मैंने अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने अपना यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सेंट हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग था तो यहाँ पर हमारा डबल कोट्स में हम लोगों ने अपना डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दिए, और यहाँ पर एन हमारा यहाँ पर इंट था
तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जीरो पास कर दिया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट सेंड बनाया है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के बेसिस में यहाँ पर हम लोग अपना यूजर से एक सेंटेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड देन इसको हम लोग यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है सेंड, उसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर ये रहा हमारा मेन फंक्शन void sort, जिसमें हम लोग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने और सारे फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना void display बनाया है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर अपना सेंटेंस डिस्प्ले करा दिया है। ओके, फिर ये रहा हमारा यहाँ पर स्टैटिक void main फंक्शन। अब यहाँ पर इस void main में क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम से, तो मतलब हमारा क्या हुआ होगा, यहाँ पर हमारा एक बैकेंड में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हुई होगी ओबीजे नाम से, और यहाँ पर मेरा दो इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर हुए होंगे, मतलब हमारा यहाँ पर एक स्ट्रिंग सेंट नाम से, ठीक है, स्ट्रिंग सेंट, एंड दूसरा हमारा यहाँ पर इंट एन हमारा यहाँ पर स्टोर हुए होंगे, मतलब यहाँ पर हमारा जो क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल थे हमारे यहाँ पर सेंट और एन, वो हमारा यहाँ पर इसकी कॉपी हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना एक और ऑब्जेक्ट बनाया टेम नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक और मेमोरी स्पेस क्रिएट होगी टेम नाम से, और इसमें भी हमारे पास यहाँ कॉपी स्टोर होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग सेंट होगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगा एक इंट एन। ओके, अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था ओबीजे नाम से, उस नाम से मैंने यहाँ पर अपना एक्सेप्ट सेंड फंक्शन कॉल किया है, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल थे हमारा स्ट्रिंग सेंट और इंट एन, उसमें हमारे पास वैल्यू चली जाएगी, मतलब स्ट्रिंग सेंट में मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया दी स्काई इज ब्लू, ठीक है, दी स्काई इज ब्लू। ओके, तो यहाँ पर मेरे स्ट्रिंग सेंट में स्टोर हो गया, और यहाँ पर एन में हमारे पास जीरो चला गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एन की वैल्यू हमारी जीरो होती है। ओके, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने अपना जो टेम जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके बेसिस में मैंने अपना सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है, और सॉर्ट फंक्शन में मैंने अपना यहाँ पर ओबीजे पास कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल था सेंट द स्काई इज ब्लू, उसको हम लोग यहाँ पर ये सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सॉर्ट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सॉर्ट अल्फा पी है उसमें हमारा यहाँ पर सेंट जो हमारा द स्काई इज ब्लू स्टोर हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस फंक्शन में क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपना एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ ERR नाम से। ओके, एंड यहाँ पर जो मेरा P जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका मैंने यहाँ पर अपना इंस्टेंस वेरिएबल कॉल किया है सेंट। ओके, और यहाँ पर मैंने अपना स्प्लिट फंक्शन यूज कर लिया है, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास जो सेंटेंस था, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस था स्काई इज ब्लू, ठीक है, सॉरी द स्काई इज ब्लू, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो हमारा यहाँ पर एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा एक एरे बन जाएगा ERR नाम से, और इसमें हमारे पास होगा दी कॉमा स्काई कॉमा इज, ये सब हमारा डबल कोट्स में होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इज ब्लू, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर अगर मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है तो उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस में यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस को स्प्लिट कर देगा, ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद ये एक हमारा एरे क्रिएट कर देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर मैंने अपना इस एरे का लेंथ निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने एरे का लेंथ निकाला है और जो मैंने यहाँ पर इंट लेंथ में स्टोर किया है, इसको आप यहाँ पर हटा के आप यहाँ पर एन में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर इसकी बात करें, ये जो हमारा पे ये जो पूरा नेस्टेड फॉर लूप है वो हमारा बेसिकली यहाँ पर मैंने सॉर्टिंग की है अपना बबल सॉर्ट के बेसिस में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर बबल सॉर्टिंग नहीं आती है और या तो फिर आपको इसके रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहले फॉर लूप की बात करें तो यहाँ पर मैंने जीरो से लेके अपना लेंथ माइनस वन तक चलाया है। ओके, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने अपना नेस्टेड फॉर में मैंने अपना जीरो से लेके मैंने अपना लेंथ माइनस वन तक चलाया है, और साथ ही मैंने अपना माइनस आई पास कर दिया है, ठीक है। माइनस आई इसलिए पास किया ताकि हमारा जब ये पूरा चलेगा ये नेस्टेड फॉर लूप, तब हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच जाएगा।
और जब लास्ट में हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट पहुंच जाएगा, तब जब हमारा ये दूसरी बारी फॉर लूप चलेगा, तब हमें वो एलिमेंट नहीं चाहिए। तभी मैंने अपना माइनस आई पास कर दिया है कि यहाँ पर सबसे पहले जीरो चलेगा, तो फिर जीरो के लिए यहाँ पर हमारा जीरो से लेके लेन माइनस वन तक पूरा एरे सॉर्ट करेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर जब वन के चलेगा, तब ये हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसको हटा के हमारा यहाँ पर सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक सॉर्ट करेगा, ठीक है। और ऐसे करते करते हमारा यहाँ पर पूरा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर अगर इस नेस्टेड फॉर लूप के अंदर की बात करें, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपना एरे जे को कंपेयर कर रहा हूँ अपना एरे जे प्लस वन। तो यहाँ पर हमारा कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है कि बेसिकली यहाँ पर ये एक एक कैरेक्टर को चेक करता है कि हमारा वो बराबर है या नहीं। और यहाँ पर अगर मेरे पास दोनों स्ट्रिंग अगर मेरी बराबर होती है तो उसमें हमारा यहाँ पर ये जीरो रिटर्न कर देता है। अदरवाइज अगर मेरे यहाँ पर पहली स्ट्रिंग अपना दूसरे स्ट्रिंग से बड़ी है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये जो कैरेक्टर है ये इस कैरेक्टर से बड़ा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कैसे देगा, बेसिकली यहाँ पर ये टी कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू फाइंड करेगा और यहाँ पर ये एस कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू फाइंड करेगा। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए टी का एस्काई वैल्यू मुझे अभी याद नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 66 है, ओके, और यहाँ पर एस का है हमारा एस्काई वैल्यू 65, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर दोनों डिफरेंट है, तो बेसिकली हमारा ये यहाँ पर दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर देगा, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पर टी मेरा एस से बड़ा है तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा तब यहाँ पर मैंने अपना स्वैपिंग परफॉर्म की है यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल स्ट्रिंग एक्स। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जब मेरा स्वैपिंग हो जाएगा तब हमारा यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए जीरो पे चल रहा है तो स्काया मेरा यहाँ पर आ जाएगा और टी मेरा इसके बाद आ जाएगा, ठीक है, टी मेरा यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा, ओके। तो ऐसे करते करते जब मेरा यहाँ पर पूरा नेस्टेड लूप खत्म हो जाएगा, तब यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, मतलब जिसकी एस्काई वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो वर्ड मेरा लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब मेरा यहाँ पर आई वन हो जाएगा तब यहाँ पर हम लोग जीरो से लेके अपना सेकेंड लास्ट एलिमेंट से हम लोग सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पर पूरा स्ट्रिंग हमारा यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे कि ब्लू, उसके बाद मेरा यहाँ पर आई है, उसके बाद मेरे पर बस स्काई है, देन मेरा यहाँ पर है टी एच ई, मतलब दा। ये मेरा ऐसे करके इस नेस्टेड फॉर लूप के बेसिस में मेरा यहाँ पर पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल था सेंट, उसमें मैंने अपना ये जो वर्ड्स हैं वो मैंने अपना इस सेंट वेरिएबल में एक ही करके वर्ड्स मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट जो हमारा वेरिएबल है उसमें मेरा यहाँ पर पूरा एक स्ट्रिंग आ जाएगा, ब्लू इज, यहाँ पर के नहीं होगा, स्काई द, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं जब टेम्प सॉर्ट ओबीजे करूंगा तो यहां पर टेम्प की सेंट में हमारे पास यहां पर आ जाएगा ब्लू इज स्काई द, क्योंकि यहां पर जो मेरा सेंट वेरिएबल है उसमें मैं अपना जो एक करके वर्ड स्टोर कर रहा हूं वो बेसिकली यहां पर अगर मैं अपना टेम्प जो ऑब्जेक्ट है उसको पास करूंगा तो यहां पर टेम्प की इंस्टेंस वेरिएबल सेंट में वो वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने पर क्या किया कि यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट था ओबीजे उसके बेसिस पे मैंने अपना डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, तो यहाँ पर जो मेरा जो स्ट्रिंग था सेंट वो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, मतलब द स्काई इज ब्लू प्रिंट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना टिम डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, तो इससे मेरा यहाँ पर टिम का जो इंस्टेंस वेरिएबल था सेंट वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, मतलब ब्लू इज स्काई द। मतलब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में था कि यहाँ पर हमें ऐसे इनपुट करना है और फिर ऐसे आउटपुट आना चाहिए, वो मेरा सेम टू सेम ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के डाटा, बाय बाय।